गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अपने फोर्थ चैप्टर के ऊपर आए हुए हैं और आज हम क्रॉप पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे और कुछ मेजर क्रॉप्स होती हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। भाई आज यू हैव स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिटी ऑफ द कल्चर्स इन इंडिया। दीज आर सो रिफ्लेक्ट इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन द कंट्री। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स and types of and fruits species and condiments extracts constitute some of the important crops grow in the country। India has a three cropping seasons, Rabi, Kharif and Zaid। देखें हमारे लिए क्या है, एक सिंपल सी बात है। जिस प्रकार से हमने पिछले साल पढ़ा था, हमने फिजिकल जो डाइवर्सिटी हमारे देश के अंदर पाई जाती है, जो विभिन्नता पाई जाती है हमारे देश के अंदर, कल्चर जो हमारा पाया जाता है वो अलग अलग से पाया जाता है, ठीक है। यही डिफाइन क्या करता है कि भी हमारे देश के अंदर क्या है कि कई प्रकार की जो क्रॉपिंग पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे भी, ठीक है। इसको सस्य प्रारूप बोला जाता है कि भी अलग अलग से पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। क्या होता है कि भी हमारे देश में क्या होता है, अनेक प्रकार की फसलें बोई जाती हैं जिसमें हम खाने के लिए अलग से होती हैं। हमारी रिश्तेदार फसलें हैं, हमारी वेजिटेबल सब्जियों की बात करेंगे, हमारे फ्रूट्स हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं, या मसाले वगैरह की बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या बहुत बड़ी मात्रा में उगाई जाती हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि इस हिसाब से क्या हम अपनी ऋतुओं को क्या करते हैं, तीन प्रमुख भागों में बांटते हैं। हमारे तीन सीज़न होते हैं, एक रबी का, एक खरीफ का और एक जायद का भी, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या होता है रबी और खरीफ के अंदर। रबी क्रॉप आर सोन इन द विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्ट इन द समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। अब आपने क्या कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि बताएं रबी की फसल में से कौन सा एग्जांपल पूछेंगे कि भी इनमें से कौन सा रबी की फसल का एग्जांपल है, कौन सा एग्जांपल रबी की फसल का नहीं है। रबी की फसल के बारे में बताइए, किसे रबी की फसल किसे कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो यदि आपसे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, दो नंबर का या तीन नंबर का, तो आप क्या करेंगे कि उसका सीज़न लिखेंगे कब बोया जाता है, ठीक है। तो क्या है कि विंटर सीज़न में ध्यान रखना रबी की फसल होती है, आप गेहूँ से याद कर लेना। और अक्टूबर तक इसकी हम विंटर में शुरू करते हैं, सॉरी अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है, या दिसंबर तक की बात कर सकते हैं आप। और जैसे ही हमारी गर्मी आती है तो हम कहते हैं कि भाई अप्रैल और मई के अंदर इसको काट लिया जाता है, जून तक इसको काट लिया जाता है। बाकी बहुत लंबा समय हो जाएगा, जून तक तो नहीं है, अप्रैल मई के अंदर इसको काट लिया जाता है भाई। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स आर वीट, बारले, पीज, ग्रैम एंड मस्टर्ड। जो हमारी प्रमुख हम यदि फसलों की बात करें, जो हमारी रबी फसल होती हैं, वीट हमारा सबसे पहला नंबर आता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो कि ये मटर होते हैं, पीज, ग्राम आप समझते हैं चने होते हैं, और मस्टर्ड हमारा क्या होता है, सरसों होता है भाई। कुछ हमारी प्रमुख है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से आपका एक नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी फसल आपकी क्या है आपको देखने को मिलेगी, मतलब क्या रबी की भी रबी की फसल है, या फिर हमारी क्या है या खरीफ किया जायद की फसल है। ये आपका क्वेश्चन जरूर रहेगा भाई, याद कर लेना इसको। आगे की ओर हम बात करें, थ्रू दीज क्रॉप्स आर ग्रोवन इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, स्टेट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड अदर रबी क्रॉप्स। इसके अलावा जो हमारे देश के अंदर क्या कि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर बोया जाता है, जैसे कि हम बात करें हमारे उत्तर की या उत्तर पश्चिम की तरफ, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इसके सबसे इम्पोर्टेंट जो राज्य हैं जहाँ पर क्या रबी की फसल, वीट जो है रबी की फसल के बोई जाती है भाई। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोनिक हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स। आपने पिछले साल पढ़ा था कि भी जो हमारी जो है सर्दियों के अंदर क्या है कि जो रेनफॉल होती है रबी की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर जो मेडिटेरियन सी से क्या है हमारे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज उठते हैं, तो वो हमारे यहाँ पर क्या नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न साइड में क्या बहुत बड़ी मात्रा में क्या कह सकते हैं आप बारिश करते हैं, और वो क्या काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है हमारी रबी की फसल के लिए भाई। उसके बाद है, हाउएवर द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश द पार्ट्स ऑफ राजस्थान हैज़ आल्सो बीन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ द अबो मेंशंस रबी क्रॉप्स। उसके बाद है कि सभी जानते हैं जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसका पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के अंदर होता था। हमने अपनी पिछली क्लास की जो है बुक में भी पढ़ा था, इकोनॉमिक्स में भी आपको पढ़ाया गया था, और अब आपके सामने बिल्कुल है भी। और इसके अलावा राजस्थान है कि
कि भी इन क्या कि भी इन कारणों से क्या कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी उनकी वजह से क्या रबी की फसल है वो यहाँ पर बहुत अच्छी बड़ी मात्रा में बोई जाती है अभी। उसके बाद नंबर आता है हमारी खरीफ की फसल का, क्रीप्स आर ग्रोइंग इन द ऑनसेट ऑफ द मानसून इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड सितंबर टू अक्टूबर। अब जो खरीफ की फसल क्या होती है ये कब बोई जाती है, जब हमारा मानसून का आगमन होता है, जैसे अब जून से शुरू होगा बोना, ठीक है, कि भाई मानसून के सीज़न में बोई जाएगी और काट लिया जाएगा इसको सितंबर अक्टूबर के आसपास भी। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग द सीजन आर पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट्स एंड सोयाबीन्स। उसके बाद यदि हम बात करें खरीफ की फसलों की तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है चावल, इसके अंदर आता है मक्का, आता है ज्वार, आता है बाजरा, है अरहड़ है, मूंग है, उड़द है, कपास है, जूट है, मूंगफली है या फिर सोयाबीन है, जो हमारी ये सबसे मतलब क्या इस सीज़न में हमारी क्रॉप्स बोई जाती हैं। सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइस ग्रोविंग रीजन आर असम्स, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र, पार्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट अलोंग विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार। रिसेंटली पैडी हैज़ आल्सो बिकम एन इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, इन स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। थ्री क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन द ईयर, दीज आर ओस, अमन एंड बोडो। उसके बाद यदि देखें सिंपल सी बात रहती है कि भी जो राइस ग्रोविंग एरियाज की बात करें तो वो उसमें क्या है, हमारा असम है, पश्चिमी बंगाल है, हमारे कोस्टल रीजन आते हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आते हैं। इसके बाद तमिलनाडु की बात है, केरला है, महाराष्ट्र है, जहाँ पर खासकर जो हमारा कोंकण तट आपको देखने को मिलेगा, केरल और आप कह सकते हैं कि गोवा के आसपास तक, तो केरल, महाराष्ट्र और गोवा हमारे तीन आप एरियाज कह सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसा समय रहा है हमारा जो मतलब क्या अभी अभी हमने क्या शुरू कर दिया कि इरीगेशन के सोर्स हमारे पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा होने की वजह से क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट क्या है कमर्शियल क्रॉप के रूप में उभर कर आने लगी। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किस प्रकार की जो है कमर्शियल हमारी जो एग्रीकल्चर होती है भाई। उसके बाद यदि हम बात करें कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर एक साल में तीन बार क्या है आप एक खेती कर सकते हैं, और वो खेती है तीनों की तीनों बार क्या है एक ही फसल की जाती है, जिसको हम धान कहते हैं मोस्टली है। यहाँ पर तीनों शब्द लिखे गए, लेकिन वेस्ट बंगाल में क्या है, इसको वेस्ट बंगाल में ओस, अमन और बोरो के नाम से जाना जाता है। जैसे तीन सीजन्स होते हैं, जिस प्रकार से रवि फसल और खरीफ की बात है हमारी, रवि खरीफ और सॉरी ये जायद की बात है, उसी प्रकार से क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं तीन, जिसको ओस, अमन और बोरो कहते हैं, और जिसमें पर्टिकुलर तरीके से क्या सिर्फ और सिर्फ क्या है एक ही फसल बोई जाती है, कोई दूसरी फसल आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगी भी। थर्ड है, इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन्स देयर इज़ अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स known as the zayd seasons. Some of the crops produced during the zayd are watermelon, muskmelon and cucumber. Vegetation and fodder crops, sugarcane almost a year to grow. उसके बाद यदि हम बात करें मोटे तौर पर कि भी इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, हमारे जो थर्ड जो हमारी निकल के आती है वो क्या आती है, हमारी जायद की होती है, जो हमारा रबी का सीज़न होता है और खरीफ का सीज़न होता है, उन दोनों के बीच में क्या एक ग्रीष्म ऋतु आती है शॉर्ट पीरियड के लिए, वहाँ पर ये बोई जाती है, जिसमें आप कह सकते हैं तरबूज हैं, खरबूजे हैं, खीरे हैं, सब्जियां हैं इत्यादि क्या की जाती हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनका उत्पादन किया जाता है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं मेजर क्रॉप्स के बारे में, बात करेंगे कि हमारे देश के अंदर कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं वो हमारी बोई जाती हैं भाई। A variety of foods and non-food crops are grown in the different parts of the country depending upon the variation in the soil, climate and cultivation practice. Major crops grow in the India as rice, wheat, millet, pulses, tea, coffee, sugarcane, oilseed, cotton and jute and extracts. देखो हमारे देश के अंदर क्या बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, हमारे जो वैरायटी आपको अलग अलग प्रकार से मिलेगी, हम फूड या फिर नॉन फूड यानी खाद्य फसलें हम उगाते हैं और अलग अलग हमारे देश के अंदर देखने को मिलती हैं, क्योंकि एक एरिया के अंदर आपको एक विशेष प्रकार की कृषि होती हुई देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वो इफेक्ट करते हैं जैसे कि भाई सोयल कैसी है वहाँ की, वहाँ क्लाइमेट किस प्रकार से है, कल्टीवेशन की प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं, इसी हिसाब से क्या कि भारत के अंदर जैसे राइस है हमारा चावल है, हमारी गेहूँ है, मोटे अनाज हैं, मसाले हैं, चाय है, कॉफ़ी है, या फिर हम बात करें गन्ने की बात है या तिलहन की बात करें, हमारी कपास है या फिर क्या हमारी जूट है, ये प्रमुख फसलें हैं जो हमारे देश के अंदर उगाई जाती हैं। आज हम मुख्य रूप से राइस के बारे में ही पढ़ेंगे, हम राइस के बारे में पढ़ेंगे किस प्रकार से राइस एक महत्वपूर्ण जो हमारी खाद्य फसल के रूप में उगाई जाती है और पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा रूप में खाई जाती है,
इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। देखो यदि हम बात करें भारत में क्या है कि भाई सबसे ज़्यादा जो जो मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा क्या है खाद्य के रूप में जो खाई जाने वाली फसल क्या है वो हमारी भाई राइस है। आवर कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो दूसरे नंबर पर भारत आता है चीन के बाद। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेना भाई। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप्स विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर्स एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल अबो एनुअल रेनफॉल अबो 100 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कि भाई ये जो खरीफ की क्रॉप होती है इसके अंदर क्या कि भाई बहुत बड़ी मात्रा में क्या चाहिए होता है टेम्परेचर की आवश्यकता रहती है। जैसे हमने बात की कि भाई इसको हमारे देश में क्या करते हैं हम लोग जैसे रेनी सीज़न के अंदर इसको उगाते हैं। तो सभी को पता है रेनी सीज़न हमारा जून के अंदर आएगा तो गर्मी चाहिए होती है और एनुअल रेनफॉल क्या 100 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए। लेकिन फिर भी ये मेरा मानना है कि 100 से ज़्यादा सेंटीमीटर की भी रेनफॉल आपको चाहिए होती है इसके अंदर। इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रो विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। और जिन क्षेत्रों के अंदर क्या है कि भी रेनफॉल नहीं होती तो वहाँ पर क्या किया जाता है इसको इरीगेशन के रूप में सिंचाई जहाँ पर अच्छी होती है तो वहाँ पर इसको उगाया जा सकता है जैसे पंजाब और हरियाणा इसके अंदर अकाउंट किया जा सकता है। राइस इज़ ग्रो इन द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया कोस्टल एरियाज एंड द डिटेड रीजन्स। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ द कैनल इरीगेशन एंड ट्यूब वेल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ द राजस्थान। इसके अलावा क्या कि भाई इनको क्या उन क्षेत्रों के अंदर तो उगाया जाता है जहाँ पर अच्छी प्रकार से बारिश हो रही है लेकिन इसके अलावा क्या उन क्षेत्रों में भी उगाया जाता है जहाँ पर रेनफॉल अच्छी नहीं है लेकिन वहाँ पर इरीगेशन के सोर्स क्या है आपके बहुत अच्छे डेवलप्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो उन एरियाज को क्या है वहाँ पर इसको उगाया जा सकता है जिसे हम यदि बात करें हरियाणा पंजाब और हमारा जो उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान है वहाँ पर इस फसल को उगाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। अब देखो सिंपल सी बात है मैं एक चीज़ बताता हूँ कि हर एक फसल में आपको वो काउंट करनी है। वैसे तो नॉर्मल है जब मैं आपको क्वेश्चंस लिख के दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा लेकिन फिर भी यह आपने ध्यान रखना कि हर एक फसल में एक विशेषता रहेगी। अब ये नहीं इसमें काम नहीं चलेगा हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा जैसे कि अब की बार जो बोर्ड ने लिया था पेपर एक ऐसे टाइप क्वेश्चन पेपर पर्सन आया था इसके अंदर वो एक कृषि के बारे में पूछा गया था। तो उम्मीद करते हैं हम तो अब की बार भी एक पर्सन ज़रूर पूछा जाएगा यहाँ से ऐसे टाइप। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे कि भी जो हम उगा रहे हैं फसल उसके लिए हम बात करेंगे कि कितना टेम्परेचर आपको आवश्यकता रहती है ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे उसके अंदर पॉइंट बनाएंगे रेनफॉल कितनी चाहिए होती है। उसके बाद हम बात करेंगे सोयल कैसी चाहिए होती है। उसके बाद बात करेंगे हमें लैंड किस प्रकार की है लैंड मीन्स स्लोप की बात करेंगे हम। उसके बाद लिखेंगे हम लेबर कैसा चाहिए होता है ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे कि भी इरीगेशन क्या सोर्स है या नहीं है या फिर इसको इरीगेशन का पॉइंट नहीं बनाएंगे रेनफॉल के बारे में लिखेंगे कि जहाँ पर इतनी रेनफॉल नहीं होती तो उसमें क्या है इरीगेशन के सोर्स के रूप में हम इसको उगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पॉइंट बनाएंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और हमारा प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। हम प्रोडक्शन लेंगे कि एक जो सबसे प्राचीनतम आंकड़ा हमारे पास क्या कि भी हमने इतने 1950-51 में भी हमने क्या कि 302 लाख टन हमने क्या है चावल का उत्पादन किया। अब लेटेस्ट में कितना किया जैसे हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2011-12 का आंकड़ा रहेगा वो। और उसके बाद है कि हम बात करेंगे उत्पादक राज्य में भूल गया कि कौन कौन से उत्पादक राज्य आपको देखने के मिलेंगे। उत्पादक राज्यों में होंगे कि ये राज्य हैं। अब उन राज्यों में से क्या कि जैसे हम हरियाणा की बात करेंगे जैसे हम पहले तो इसी की बात कर लेते हैं जैसे राइस के बारे में पढ़ रहे हैं वेस्ट बंगाल है कि वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है हम नंबर वन दे देते हैं वेस्ट बंगाल को। तो उसके अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर कौन से एरियाज आएंगे जैसे हरियाणा की बात करेंगे हरियाणा में कौन से यूपी में कौन से तो उनकी डिस्ट्रिक्स निकालनी पड़ेंगी और उन डिस्ट्रिक्स को निकाल कर हम उनको क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम इसका मानचित्र बनाएंगे और मानचित्र बनाने के बाद हम इसको अपनी कॉपी में पेस्ट कर लेंगे। तो ये पैटर्न रहेगा मोटे तौर पर। फिलहाल हमारे पास एक ही है हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे दूसरे के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे भी आगे।